श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ मेवाड़ ठाकुर द्वार मुंबई में मंगलमय चातुर्मास प्रवेश की बात करें तो महासती श्री उज्ज्वला कुंवर जी महाराज साहब, श्री कीर्ति सुधा जी महाराज साहब, श्री उन्नत श्री जी महाराज साहब का मंगलमय चातुर्मास प्रवेश कांदावाड़ी साधना सदन में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। प्रवेश के बाद प्रवचन और लाभार्थी सम्मान का कार्यक्रम मोरारबाग में आयोजित हुआ, जिसमें साध्वी श्री जी ने अपने ओजस्वी विचार प्रकट करते हुए कहा कि वे ठाकुर द्वार संघ को धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा जो इस बार ऐतिहासिक चातुर्मास मिला है, इसका लाभ वे अधिक से अधिक लेकर अपने जीवन को धन्य धान्य करें। इस अवसर पर ठाकुर द्वार संघ के अध्यक्ष किशन लाल मांडोद, मंत्री विजय कोठारी ने ठाकुर द्वार संघ के इतिहास के बारे में बताते हुए पूरे चातुर्मास में होने वाले भव्य कार्यक्रमों की जानकारी दी। आयोजन को सफल बनाने में संघ के कोषाध्यक्ष शांति लाल कोटीफोड़ा समेत ठाकुर द्वार संघ के सभी मंडल का सहयोग रहा, जिसमें कन्या मंडल, महिला मंडल समेत सभी उपमंडलों की भी भागीदारी रही। इस दौरान लाभार्थी परिवारों का सम्मान भी किया गया। इस मौके पर मेवाड़ संघ मुंबई के महामंत्री प्रकाश नाहर, कोषाध्यक्ष फूलचंद नाहर, मेवाड़ भवन गोरेगांव के अध्यक्ष दिलीप नाबेड़ा, सुरेश सिंघवी, कृष्णा तलेसरा, नरेश लोढ़ा की खास मौजूदगी रही। कार्यक्रम के अंत में पधारे हुए सभी मेहमानों का संघ के महामंत्री विजय कोठारी ने विशेष आभार जताया। इस पर देखिए मौरा स्थान के संपादक रितेश पाठक की ये खास कवरेज।
माधुरी जी का स्वास्थ्य पूना में खराब हुआ, वहाँ इलाज करा के बिहार करके मुंबई की तरफ पधारे। वाशी में भी हमारा संघ दर्शनार्थ गया था, फिर भी समय समय तो माधुरी जी के दर्शन करते रहे। आज समय में आ गया, माधुरी जी का मंगलपुर में शुभ मुहूर्त में साधना सदन में हो गया और कार्यक्रम इस मोहर बाग में चल रहा है। साधु जी, महासती जी का प्रवेश बहुत अच्छी तरह से हुआ है। आज सुबह सुबह बारिश चालू हो गई, उससे और स्वागत में अभिवृद्धि हो गई। हमको बहुत अच्छा लगा, महासती जी का चारों प्रवेश बहुत अच्छी तरह से हो गया। हम वर्षावास में अधिक से अधिक जप तप और बहुत अच्छा काम करेंगे और अच्छा जप और तप करेंगे। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा ठाकुर द्वार श्री संघ के सभी श्रावक और श्राविकाओं को, जो इतनी बारिश होने के बावजूद भी भारी मात्रा में पधारे। मेवाड़ संघ के काफी पदाधिकारी पधारे, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। यहाँ के नवयुग मंडल को, कन्या मंडल को, चंदन माला महिला मंडल को और बहु मंडल को, जिन्होंने हर घड़ी हमारे साथ तन मन धन से हमारे साथ में खड़े रहे और आने वाले 4 महीने भी इसी तरह सेवा हमको देते रहेंगे। आज ये सिर्फ एक ट्रेलर था, अभी आप सोच लीजिए पिक्चर कैसी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चतुर्मास का प्रवेश आज का बहुत बड़ा शुभ दिन था। माँ सती जी को आज सुनकर लगा कि आने वाले 4 महीने अवश्य बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। हम महाराज साहब जी की वाणी के लिए बहुत उत्सुक है। 20 तारीख से जो हमारा चतुर्मास चालू होगा उसमें तन मन धन से सबको सेवा देनी है। जय जय माँ। सबसे पहले तो मैं ठाकुर श्री संघ को और नवयुग मंडल सभी को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामना दूंगी, क्योंकि इतना बड़ा महाराष्ट्र का मंगल प्रवेश हुआ। और मैं चाहूंगी कि यहाँ की कन्या मंडल ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा धार्मिक नॉलेज ले, ताकि वो आगे भी सबको सिखा सके। आज घूर्णी मैया का हमारे यहाँ पे प्रवेश हुआ है। हम लोग ने पहली बार ही घूर्णी मैया के साथ संपर्क में आए हैं। बड़े ही प्यारे, बड़े ही अच्छे उच्च विचार वाले घूर्णी मैया का आज आगमन हुआ है। मैं भी यही कहना चाहूंगी कि ठाकुरद्वार कन्या मंडल के साथ साथ जितने भी कन्या मंडल है भारी संख्या में आए और यहाँ पे घूर्णी मैया के दर्शन का लाभ ले। मैं चाहता हूँ ठाकुरद्वार में हर साल चातुर्मास होता है और हम और भाग्य की हमें चातुर्मास मिलता है। और आज जो चातुर्मास प्रवेश हुआ माँ सती जी का, बड़े विदेशी सती जी है और हमारा मन गदगद हो गया। आज का चातुर्मास जो हमें मिला हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और ये चातुर्मास ऐसे हुआ, ये मंगल कामना था। जय जिनेन्द्र। आज हमारे यहाँ बहुत ही शुभ प्रवेश दिवस हुआ है, उसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि सभी महिला मंडल, कन्या मंडल, बहु मंडल ज्यादा से ज्यादा तप जप में अपना योगदान देवे और महासती जी की सेवा करें और इसलिए चातुर्मास को सफल बनाए। और हमारे ये जो प्रवेश है उज्ज्वला कुमारी महाराष्ट्र का, वो हमें 2024 का यादगार प्रवेश बने। धन्यवाद। ठाकुर द्वारा श्री संघ के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, आज मंगल प्रवेश घूर्णी मैया को हुआ है। मैं M4 मेवाड़ महिला मंडल की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामना देती हूँ कि आपका ये चातुर्मास ऐतिहासिक होए और मंगल कामना करती हूँ कि बहुत से अच्छा ऐतिहासिक हो जाए।